हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 5 वीडियोस में वो कंप्लीट हुआ है और वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आपको लिंक मिल जाएगा, मैं प्लेलिस्ट अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट आप डिस्क्रिप्शन में भी उसे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप उस वीडियोस को देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे उसके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से। सबसे पहले थोड़ी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेते हैं जो इस चैप्टर में आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलरेडी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल्स ही था, ठीक है। तो हम कैसे एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, सबसे पहले हमें यह जानना है कि कैसे एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हम उन एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल्स के जो पावर है वो होल नंबर में होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 5x³ प्लस 4x² प्लस 6, तो यहां पे वेरिएबल जैसा x है तो x के पावर 3 2 होल नंबर्स में है। पावर फ्रैक्शन में अगर हो गया जैसे x पावर 1/2, उसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं, और ले लेते हैं 3x प्लस 2, ऐसे रैंडम में कुछ भी एग्जांपल्स ले रहा हूं यहां पर, ओके। 3 एंड देन वी हैव 0 सपोज। तो सबसे पहले जो टर्म हमें ध्यान देना है, दैट इज व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। सो यहां पर हमें दिख रहा है कि वेरिएबल का पावर 3 है, वेरिएबल का पावर 2 है, सो हाईएस्ट पावर इसका 3 हो गया, इसलिए डिग्री इस पॉलिनोमियल की कितनी हो जाएगी, 3। यहां पर हमें दिख रहा है कि x का मतलब वेरिएबल का पावर 2 है, यहां कुछ नहीं तो वेरिएबल का पावर हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पावर अगेन मुझे दिख रहा है कि 2 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। यहां पर वेरिएबल का पावर 1 दिख रहा है मुझे, ओके, सो यहां पर हाईएस्ट पावर 1 है। यहां पर कुछ नहीं है तो हम मान सकते हैं कि एक्स टू द पावर 0 हो सकता है, इसलिए यहां पर आ जाएगा डिग्री 0। अब ये जो जीरो लिखा हुआ, ये एक स्पेशल पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है, नॉट डिफाइंड, फाइन। ये स्पेशली सिर्फ इसके लिए ही है, जीरो के लिए, फाइन। अब इनकी डिग्री पे बेस्ड ही हम इन्हें नाम देते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाती है तो हम उसे बोल देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अगर डिग्री 0 है तो उसे बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर जीरो है तो उसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इनके नाम से हम इनका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 3 होगा, इसलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। हाईएस्ट पावर हमें ध्यान देना है कि 3 हो यहां पर, इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है हमारे को इस चैप्टर पे, इवन चैप्टर 4 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है। तो हम ऐसा ही कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म वहां भी ले रहे होंगे। लीनियर के लिए ए एक्स प्लस बी, कांस्टेंट है उसके लिए सिर्फ एक कांस्टेंट हम ए कंसिडर कर लेते हैं। अगेन जीरो का स्टैंडर्ड फॉर्म नॉट डिफाइंड है, वो जीरो ही बोल सकते हैं हम उसे, ओके, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आता है, दैट इज नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यही टर्म आपने क्लास 9th में भी देखा है, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है, अगर मैं एक पॉलिनोमियल कंसिडर करके चलता हूं 5x³ प्लस 4x² प्लस 6, तो जीरोज एक्स की वो वैल्यूज होंगी जिसके लिए वैल्यू इस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फाइन। आई होप आपको समझ आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं 2x² प्लस 3x माइनस 5, अगर मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर देता हूं तो यहां पर आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो x की जिस वैल्यू पे
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है उसे हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, उसे हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में एक्स की ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं जिसके लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, ये भी डिपेंड करता है डिग्री पे, ठीक है। अगर डिग्री थ्री है तो एक्स की ऐसी तीन वैल्यूज पॉसिबल होंगी, इसलिए हम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या लिख सकते हैं, थ्री। यहां पर अगेन हम टू लिख सकते हैं, यहां पर वन, और यहां पर हमें कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी, और अगेन यहां तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे टर्म्स समझ आए होंगे, ये सारे टर्म्स हमें पढ़ने को मिलेंगे, क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, इसलिए सब टर्म्स को समझना काफी जरूरी है यहां पर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.1 जो है वो आपका इसी पे बेस्ड है, ठीक है। आपको एक्सरसाइज 2 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको 6 ग्राफ्स गिवन है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे अभी, ठीक है। अब मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू 2x² + 3x - 5, मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं, तो ये पॉलिनोमियल एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉलिनोमियल एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहां पे बहुत सारे कर्व बने हुए हैं जो रेड लाइन से मेंशन नहीं है, ठीक है, डायग्राफ में रेड लाइन से जो कर्व बने हुए हैं वो सारे ही पॉलिनोमियल्स हैं, फाइन। हर पॉलिनोमियल एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन है तो मैं उसकी डिग्री देख सकता हूं और डिग्री देख के ये बता सकता हूं कि उसके कितने जीरोज हो सकते हैं, करेक्ट है। लेकिन अगर मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन नहीं है बल्कि कर्व गिवन है तो हम ये कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो जीरोज जब भी होता है तो वैल्यू ऑफ पी एक्स क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, ठीक है। तो हम यहां पर जो भी गिवन है, हमको ग्राफ गिवन है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 2x² + 3x - 5। तो मुझे चेक करना है कि y कितनी बार जीरो हुआ, जितनी बार y जीरो होगा उतने ही जीरोज होंगे, ठीक है। और y जीरो कहां पे होता है, x एक्सिस पे, y होता है x एक्सिस पे जीरो होता है, ठीक है। तो मुझे बस ये देखना है कि ये ग्राफ जो है ये x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, जितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरोज इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के पॉसिबल होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं फर्स्ट ग्राफ देख लूं, फर्स्ट ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, x एक्सिस को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है वो, इसलिए हम इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो। फर्स्ट के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जीरो, बिकॉज वो एक भी जगह x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सेकेंड हमें दिख रहा है कि वो एक बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसलिए यहां पर सेकेंड का आंसर हो जाएगा वन, इसके वन जीरो है, ठीक है। थर्ड में मुझे दिख रहा है कि ये 1, 2 और 3 तीन बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। यहां पर एक और दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो फोर्थ पार्ट में 2 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 फिफ्थ पार्ट के 4 नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, और नेक्स्ट के 1, 2, 3 इसके हो जाएंगे 6 के 3 जीरोस, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस उसके हो जाएंगे, फाइन। आई होप आपको ये समझ आया होगा, इससे इजी क्वेश्चन आपको पूरे टेंथ में नहीं मिलने वाला है, फाइन। सबसे इजी क्वेश्चन है पूरे टेंथ का, सिर्फ ग्राफ देखते ही आप आंसर लिख सकते हैं, फाइन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। टोटल 2 एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज आपने ऑलरेडी देख लिया कैसे है, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चंस इससे पॉसिबल हो सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक से हो सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहां पे मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, अभी हमने लिखा था स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है पी एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जहां पर ए जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी जो है वो है कांस्टेंट टर्म, सी जो है वो है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ऑल दो बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं बट हमें डील करना है केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ओके, इसलिए मैंने उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है बस। नाउ क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, दैट्स व्हाई दिस विल बी नंबर ऑफ जीरोस आल्सो। ओके, डिग्री किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ जीरोस के बराबर होती है, ये हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था। ठीक है, तो क्योंकि इसकी डिग्री 2 है इसलिए यहां पर दो नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि वो दो जीरो कौन से हैं, अल्फा है और बीटा है। सपोज अल्फा और बीटा, हम दो जीरोस मान के चलते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो नाम से ऐसे घबराने का नहीं है, इसका ऐसे कोई यूज नहीं है स्पेसिफिक, हम सिर्फ और सिर्फ कुछ सिंबल लेके चल रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हमें रिलेशन क्या बताना है जीरोस और कोफिशियंट्स के बीच में। तो हमारे पास दो जीरो हैं अल्फा और बीटा, और कोफिशियंट है ए बी और सी। ठीक है, इनके बीच दो रिलेशन एस्टेब्लिश होते हैं। पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अभी हमें इसका डेफिनेशन नहीं करना है, ठीक है, इसलिए हम केवल और केवल डेफिनेशन एक्सप्रेशन लिख रहे हैं जो भी रिलेशन है और उसे याद करेंगे। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स हमें क्या दिख रहा है यहां पर बी, एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेंगे, ये हमें पहला रिलेशन मिल जाएगा, दिस इज अवर फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सेकेंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की अगर मैं बात करूं तो अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म यहां पर सी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। ठीक है, तो ये हमारे पास मिल गया दूसरा रिलेशन। बस इन्हीं दोनों रिलेशन पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करना है। इसके अलावा जो चीज हम यूज करने वाले हैं वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं क्लास 9th में। अगेन मैं आपको डिटेल में एकदम समझा दूंगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट आई होप आपको आज हमने जो भी पढ़ा है वो समझ आया है। ठीक है, तो हमने देखा इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जिससे आप डील करने वाले हैं। सेकेंड हमने देखा एक्सरसाइज 2.1, जिसमें कर्व गिवन थे और हम सिर्फ यही चेक कर रहे थे कि एक्स एक्सिस को वो कितनी बार इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशियंट। ठीक है, इसको हम एक क्विक रिवीजन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आई होंगी। फाइन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।